GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। शेर घाटी उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक प्रभात कुमार झा ने छापेमारी के दौरान शेर की दो थाना के निकट से एक टेम्पो से तकरीबन 86 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही टेम्पो को जब्त कर लिया गया, अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर गया उत्पाद विभाग की टीम निरीक्षक गणेश चंद्र को गुप्त सूचना मिली कि जिसके बाद वाहन चेक किया गया। वाहनों की जांच के दौरान दो मोटरसाइकिल से अवैध जुलाई देशी शराब तकरीबन 300 लीटर दोनों मोटरसाइकिल से जब्त किया गया। वहीं कुल जुलाई देसी शराब 300 लीटर के साथ मोटरसाइकिल सहित शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति मनीष कुमार सचिन कुमार बताया गया है। यह जानकारी उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रिय रंजन कुमार ने पत्रकारों को दिया। उन्होंने बताया कि शेर घाटी उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक प्रभात कुमार झा, सहायक अवर निरीक्षक रंजीत कुमार के सहयोग से तकरीबन 86 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति अखिलेश कुमार को जेल भेजा गया। वही सदर गया उत्पाद विभाग के निरीक्षक गणेश चंद्र, अजीत कुमार सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार के सहयोग से 300 लीटर जुलाई देसी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया। समस्तीपुर जिला की कल्याणपुर प्रखंड चकमहसी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में कई महीनों से नल जल खराब पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य 100 रुपया वसूल कर कई बार बनवाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब पूरी तरह से मोटर खराब हो चुका है, ना प्रतिनिधि सुनता है, ना पीएसडी के अधिकारी लोग सुन रहे हैं, जिसकी वजह से इस वार्ड में नलजल कई महीनों से खराब है। नलजल का मोटर कई महीना पहले खोलकर ले गया लेकिन अभी तक मोटर की मरम्मत नहीं हो पाई है और नलजल का भवन तो दिखाई पड़ता है लेकिन नलजल का पानी प्राप्त नहीं है। वहीं आज स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी के हैंडपंप से बालू गिरता है तो किसी के हैंडपंप से सड़ा हुआ पानी निकलता है। बारिश की वजह से वह पानी हम लोग पीने में मजबूर है। उधर नलजल भवन के संचालक ने कहा कि मेरी जमीन में नलजल का भवन यह कहकर तैयार किया गया था कि हर महीने पैसे मिलेंगे, जबकि पैसे भी सरकार द्वारा आया लेकिन वार्ड मेंबर सारे के सारे पैसे खा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस वार्ड के सदस्य मोहम्मद अब्बास अंसारी ने दिलासा तो दिया लेकिन आज तक नलजल खराब पड़े हुए हैं, नहीं बन सका। इस मामले में जब मेरी बात पीएसडी के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको बनाया जाएगा लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, वह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि बस जल्द ही बनवा लिया जाएगा। उधर वार्ड नंबर 3 के पंचायत समिति पति नजरुल इस्लाम ने कहा कि वार्ड नंबर 3 में भी यही हाल है। आए दिन मोटर जल जाता है तो आए दिन मोटर खराब हो जाता है और पानी लोगों को प्राप्त नहीं होने की वजह से दूर दूर से पानी लाकर लोग पीने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि खबर का असर कुछ होता है या नहीं। यह नलजल भवन जो दिख रहा है उसमें मोटर भी लगता है या नहीं, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार तो चाहती है कि नलजल का साफ पानी, स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंच पाए और पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं गंदी राजनीति करने वाले लोगों की वजह से लोगों तक पानी साफ नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे GBN24 न्यूज।